नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि अगर शुभमन गिल अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके जगह जो है यशस्वी जायसवाल को ला लिया जाएगा। और रही बात हमारे चेस मास्टर की, तो भले ये सीरीज नहीं चली वरना वो चेस में तो सबसे आगे हैं। अब तक कोहली ने चेस करते हुए 33 बार जो है नॉट आउट रहे और उन्होंने मैच जिताए हैं। उनके पीछे बांग्लादेश के मुस्तफिकर रहीम हैं, उसके बाद है रोहित शर्मा जो 28 बार नाबाद रहे हैं और दैनसा की बलहसन 27 बार और एंजेलो मैथ्यूज 23 बार और 19 बार रविंद्र जडेजा 19 बार जो रूट। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली जो है फर्स्ट डाउन खेलने आते हैं और फर्स्ट डाउन खेलते हुए उन्होंने 33 बार मैच खत्म किया, बहुत बड़ी बात रखती है। और रोहित शर्मा भी जो 28 बार रहे, बट शायद रोहित शर्मा कई बार पीछे भी खेले हैं। अभी बीसीसीआई ने एक नया रूल निकाला है कि घरों क्रिकेट में जो टी20 गेम होता है उसमें जो है इम्पैक्ट प्लेयर का रूल लागू होगा, जिसमें एक नया प्लेयर खेलेगा और घरों और एक प्लेयर को जो है मौका मिल जाएगा। इससे अच्छा रहेगा क्योंकि घरों लीग में सिर्फ परफॉर्मेंस देखा जाता है नेशनल टीम सिलेक्शन के लिए, और ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और साउथ अफ्रीका टी20 लीग जो तीसरा शुरू होने वाला है, इसमें इस बार इंडिया की तरफ से जो है एक खिलाड़ी जा रहा है दिनेश कार्तिक, जो पार्सवेयर से खेलेंगे। और कुछ बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनल आ रहे हैं, जो रूट खेलेंगे पार्सवेयर की तरफ से, जन कैन विलियमसन भी खेलेंगे और एमआई कैप्टाउन की तरफ से खेलेंगे बेन स्टोक। वैसे देखा जाए तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट लीग का नाम ही बस साउथ अफ्रीका, बाकी इसके जितने भी टीम मालिक हैं सब इंडिया के हैं और इंडिया के जो आईपीएल फ्रेंचाइजी है वहाँ अपना टीम खरीदी है, तो इंडिया के खिलाड़ी यहाँ से ले सकते हैं। ये तो शायद शुरुआत है दिनेश कार्तिक से, आगे और बहुत सारे खिलाड़ी जो जा सकते हैं, रिटायर्ड खिलाड़ी होंगे, शायद रविन उत्तपा आगे हो सकते हैं। अगला न्यूज़ है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी नजीम शाह का मानना है कि विदेशी कोच के वजह से वो अपना जो है अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है इंग्लिश नहीं आती और विदेशी खिलाड़ी इंग्लिश के अलावा दूसरा लैंग्वेज नहीं बोलते, जिसके चलते इन्हें कोच के साथ मिलने जुलने में थोड़ा वक्त लगता है या फिर एक दूसरे के बात समझा नहीं पाते ठीक से, और इसी की वजह से शायद ये मैच हार रहे हैं। अगला न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के जन्मे खिलाड़ी सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं, अभी जो है 39 साल के हैं, उन्हें अभी पाकिस्तान से जो है कुछ खिलाड़ी ऑफ़र दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान से आके खेलो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके खेल में कहीं जो है निखार आया है और वो वर्ल्ड के लगभग सभी लीग खेलते हैं, यहाँ तक कि आईपीएल भी है, बट उन्होंने साफ मना कर दिया वो सिर्फ जिम्बाब्वे के लिए ही खेलेंगे, दूसरा देश के लिए नहीं। अगला न्यूज़ ये है कि इंडिया अब जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 5 टेस्ट है, पिछला 2 सीरीज जो इंडिया जीत चुका है। इस बार पहला टेस्ट खेला जाएगा नवंबर 22 तारीख को पर्थ में और दूसरा टेस्ट खेला जाएगा दिसंबर 6 तारीख को एडिलेड में और तीसरा मैच दिसंबर को खेला जाएगा ब्रिस्बेन में, देन चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा 26 दिसंबर मेलबर्न को और पाँचवा टेस्ट जनवरी 3 तारीख को सिडनी में। लगभग 2 महीने का ये श्रृंखला होगा, बट पिछला 2 सीजन जो है हमारी यंगस्टर टीम ने जो है जिताई है 2 सीरीज, तो ऑस्ट्रेलिया इस बार जो है घायल शेर की तरह है, इसका बदला लेते हुए इन्होंने हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हराया था और वर्ल्ड कप में भी हराया, अब बारी है इंडिया की और इंडिया भी अपना बदला जरूर लेगा और उन्हें घर में हरा के आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।